मान्यवर वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 ही, 52% की कमी, मृत्यु 5,790 थी अब 1,811 हुई, 69% की कमी, हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96 इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 + 22 हुए, कितने होते हैं 96 और 20, मतलब 118 हुए, अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है, और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 + 80 लगभग 550 हुए, और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसे, 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राजनाथ जी गृहमंत्री थे तभी, एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले बन गई, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आते हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए CAPF के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। NIA और ED को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई, NIA में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया, सारे वामपंथी उग्रवादी FIR का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है, और 36 गढ़िया बटालन, बस्तरिया बटालन भी बनाई गई। मान्यवर आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर उनका दायरा क्या था, झारखंड, बिहार, ओडिशा, MP, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, आज क्या बच गया है, झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, ओडिशा मुक्त, MP मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है, और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद को, मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, इसलिए मैं कहता हूं आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास। मान्यवर अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर हिंसक घटनाएं सेम कालखंड की मैं लेकर आया हूं, फिर से इन लोगों को ऐसा न हो, इसलिए हिंसक घटनाएं 10,000 होती थी, इसकी जगह 3,238 हुई, 68% की कमी, हताहत सुरक्षा बल 397 अब 128, 68% की कमी, मृत्यु नागरिक 2,298 अब 420, 82% की कमी, हर हेड में हिंसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम हुई। और इसके पहले मान्यवर किसकी सरकार थी, 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, और यहां पर ये UPA की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था, निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई।
कई विकास के पंडित कहते हैं इतने हजार किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसक हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। बोलो मणिपुर में, बताता हूं मैं, फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी नैसेक स्थापना कर गए थे, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं। मोदी जी ने नैसेक को एक्टिवेट करा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टडी किया है, ब्रह्मपुत्र के पूर को बड़े बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट कर सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। ये बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट आने वाले वर्षों, और हम बनाकर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि भले आपको अविश्वास हो मगर जनता को तो। मान्यवर, मैं जब ये कहता हूं तब हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे भावनाओं से नहीं करी, एक कागजी शांति नहीं है, इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। मान्यवर, 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हमने समाधान करा, लगभग 674 लोग समाधान हुआ। अब ये अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए। एनएलएफटी के साथ 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 144 लोग मारे गए थे। बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ 2020 में, एनएलएफटी के साथ 19 में हुआ, 2020 में बोडोलैंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ, 1630 लोग सरेंडर किए, 4300 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे। मान्यवर, 4362 लोग, और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह 197 लोग मारे गए थे, 1000 उग्रवादियों ने समर्थन किया। असम आदिवासी सशस्त्र समूह 1182 लोगों ने सरेंडर किया, 329 लोग मारे गए थे। और दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्माननीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटे। भाई, आग की लपटे अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घेरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68%, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68% और हताहत नागरिक में 82% कमी करी है। ये सारा मैंने जो कहा वो समझौते किए हैं। आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षेत्र मुक्त, मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए, अरुणाचल में केवल एक जिला और 3 पुलिस स्टेशन बच गए, नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा और मेघालय में पूर्णतः अपसपा हटा लिया गया है। मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये कहता हूँ कि जो बचा कुछ काम बाकी है वो भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को